व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द शो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमसी स्टैन के एक और गाने पे जिसका टाइटल है स्नेक। स्नेक सांप होता है। अच्छा, डिस है किसी के लिए तो जरूर बता देना, क्योंकि मेरे को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि अगर किसी के लिए डिस हो तो। लेकिन वो कहते ना, ये तो सांप निकला, उस तरीके का हो सकता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। अभी परसों ही हमने उस पर रिएक्ट किया था ना, एक दिन प्यार पे। हाँ। तो नेक्स्ट किस पे रिएक्ट करना है जरूर बताना कमेंट करके। एमसी स्टैन ओपन द कमेंट हो जाए, वीडियो कर दें लाइक, चैनल तो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। म्यूजिक बहुत अच्छा स्टार्टिंग है जो घर पे ने गाने हो रहा पर बोलिए सीन बड़ा करके दिखा मेरे दो बिना, मेरे को नहीं गिनते ये मैं बने गिनन हुए, वो मैं क्या मालूम होते क्यों फिदा, लगा मैंने माँ बाप को अपने पुल से, कैसे कह रहे सकती मेरे तो बिना, मालूम गिरा पैसा नाम रखा पैसा लिख दला, जितने भी गाने मेरे तेरे पे सभी दल, लड़की लोग गोली कर माँ भरोसा किस पे ने सभी दस ने सब कर छुट गला, देखे मेरे को काम जाना इलम फिल में शांति से बैठ चलने के साथ मेरे की तेरी माँ जल मत जाने बाजू में बैठ चकुली नाम रखा हम से निकाल भी करे बच्चे लोग तेरे बैठ इनको भी मालूम अभी कर डाले खान बैन देख टाइम में मेरे को बोलने के शेर शेमड़े होते माजे सुमारे ले लान इंग्लिश में आ दिन के फोन में ने डिस्कर स्टैन को आए मंदी शान बाड़ा बन कदी करी गार दर्देस सुन मेरी बात 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 तेरी मान गिनना ने किस कुछ कर मत वीड पर नहीं हो मैं सब बन गए ले खात इंसान से भरोसा उड़ गए लगे बाल में करने के मर्डर का प्लान रीजन दी आइटम या फिर बोलने का ब्रो मैं बोलने का जान जान बोल के मेरा टाइम करो वे हैनी में सब दिखा था लेगा लेकिन ये भी तो उसे सुन के मेरा वे दोस्त बने साहब जिंदगी जा डोरे से बचा था लिमाने मेरे टकला तेरी माँ दी होगा भर रहे देखो गले में कुछ नहीं तो औकात मेरे अम्मी को बोला मेरे टेंशन मत ले घर वाले खुश होते पैसे लगे थे चुमाओ के होते नहीं बोलो को मैं भाई करूँ दूर सर को मांगते मजे घर पे ने गाने हो रहा पर बोलिए घर पे ने खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालू लोगों को मैं घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोलिए घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालू लोगों को मैं जो भी रट के ले बिचारों में छोड़ा तू पेन था लेकिन वो फेक ओ जी तू रहने की कोशिश में छूते की गिनती में कभी मत ले लड़की के पीछे ने ठीक करा वॉइस पब्लिक इधर इससे हो गई वॉइस पुलिस से ज्यादा पब्लिक करी चेस में फैशन इधर लाने वाला मतलब गाने वे तुम लोग लगा हम लोग नशे में थे लेकिन तुम लोग नशे में थे आज डॉक्टर ने तू घर से तक ले तेरी मेन फैन मेरी क्या करूं मैं इल्यूजन ब्रो तू एंडिंग तक ले मार का रे दा तू उस दिन दे चांदे बोला सिर पे अबले पहले से केस इधर का गगा भी कर दे उधर जाके पे सबको किस की थी बिल्कुल है ना। हाँ, नो केयर।
अलग ही स्टाइल में गाऊंगा, अलग ही यूनिक स्टाइल है रैप का। और एक और अब तो मुझे बहुत ही वो लगता है सुनने में, क्योंकि जैसे मैंने बिग बॉस देखा था ये वाला, और फिर जब जर्नी हमें पता लगी हर एक चीज की, कहां से उठ के बंदा कहां तक पहुंचा। और आज ऐसा कोई ब्रांड नहीं, ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं जो स्टैंड ऑन ना कर सके, वो चीज तो है। और वो चीज हार्डवर्क से है, टाइम लगने अपने आपको, क्योंकि रात रात कोई रैपर नहीं बनता, अगेन मैं वही कहूंगा, मेहनत करके कोई भी फील्ड हो आप, मेहनत जुनून लगन से और एक विजन लेके जब आप काम करते हो, सक्सेस स्टार्टिंग में नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो आप देख सकते हो किस तरीके से मिलता है। और ये मेरे को डिस लगा एमिनम के लिए, तो नहीं तो कुछ कुछ लाइनें शायद एमिनम सॉरी एमिवे के लिए कुछ कुछ लाइन जहाँ पर टोन चेंज हुई थी वहाँ पर, वो कृष्णा एमिवे को पता है क्योंकि हमने काफी शुरू से जैसे डिस वर्ड देखी भी है उनकी। मेरे को किसी ने किया इसको, मैंने देखा शायद एक नहीं शायद किया एक बार एमिवे, और इनका शायद से खुजामत है शायद से मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज जब जिस दिन फिनाले था उससे एक दिन पहले एमिवे ने वो डाला हुआ था, क्योंकि कंट्रोवर्सी टाइम अलग था, वो एक अलग है। और वो है ना कि वो तो भाई उनकी जैसे आर्ट है ये, आर्ट भी हो गई वो उस फील्ड में, वो उनकी लड़ाई है कि उसकी कि जैसे एज अ फैन एज अ लिसनर एज अ रिएक्शनिस्ट मैं एक चीज ये कहूंगा कि उनकी पर्सनल चीज होती है, हमें यहाँ म्यूजिक अप्रिशिएट करना चाहिए कि पसंद आया किस तरीके से डील किया। और म्यूजिक कंपोजिशन ही बहुत गजब था इसका, और जो लाइनें थी कुछ जैसे स्टार्ट ही हुआ था, दो मैं कह रहा था ना सांप वाले वर्ड जो होता है वो एक वो होता है ना सांप बन रहा है, तो वो स्टार्टिंग में वो लाइन थी दोस्त बने सांप, और फिर होने से बच्चा डाली माँ ने मेरे, और वो कि घर वालों को रखना सेफ हर एक चीज, गोल्ड डिगर वाली बातें भी काफी चीजें थी। बाकी मैं ये कहूंगा कि जो एक वाइब है ना एमसी स्टैंड की क्या है कि अलग है। जैसे अगर मैं एमवीवे की बात करूँ, एमवीवे मेरे को पसंद है बहुत, क्यों एक एनर्जेटिक रहती है। एमसी स्टैन का क्या है, शब्द चलती रहते हैं, एक अलग ही वाइब है आपके माइंड में मर्मरिंग सी होती रहती है ना, वो मर्मरिंग सी वही चीज है। तो सबका एक यूनिक वे होता है और वही चीज है ना, वो लगता है जब इसने गाने इसमें से एक दो जैसे बस्ती का हस्ती या एक जो हमने भी रिएक्ट किया था परसों उस पे, जब ये बिना म्यूजिक के उसमें गाता था तो नॉर्मल लगता था कि क्या है, मतलब थोड़ा शांत सा होता है ना म्यूजिक नहीं था, और फिर जब म्यूजिक के साथ सुना तो एकदम अलग ही वाइब वही चीज है। म्यूजिक जो चीज है उसकी वही चीज है, एक ओवरऑल पैकेज होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, और जब वीडियो के साथ देखते हो तो एक अलग फील आती है वो चीज। बाकी नेक्स्ट किस पे रिएक्ट करें जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।